दोस्तों आज मैं लेकर आई हूँ कुछ खास बातें, कुछ खास यादें जो आपकी और हमारी सबकी बचपन से जुड़ी हुई है। खासकर उस जनरेशन की बात कर रही हूँ जिन्होंने 1990s से पहले जन्म लिया है। अगर आप याद करें तो हमने बचपन में वो गोले खाए हैं, हमने बचपन में मोबाइल नहीं देखा था, हमने माचिस की डिब्बियों में स्प्रिंग लगाकर दूर दूर डिस्टेंस मेंटेन कर फोन पे बात करने का वो जो फीलिंग्स है उसे एहसास करते थे। हम ही वो बच्चे थे जिन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ जो कि बाहर आउटडोर्स के गेम्स है वो खेला करते थे। हम ही वो बच्चे हैं जिन्होंने मारियो का गेम खेला है। हमारी इतनी अच्छी आदतें थी कि हम बूढ़े दादा दादी नाना नानी के गोद में बड़े हुए, उनके साथ वो सारे स्नैक्स का मजा लिए जो बाहर नहीं बिकती है, जैसे कि नानी और दादी के हाथ के तिल के लड्डू, उनके हाथ के खोपरे के लड्डू, उनके हाथ की बनाई हुई इमली की चटनी और कितने प्रकार की अचार, शायद वो हमारी मेमोरीज से कभी जा ही नहीं सकती। और हमने ये भी देखा है कि शाम होते साथ ही हाथ पैर धोकर किताब लेके बैठना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, नींद से उठते साथ ही सबको नमस्ते करना चाहिए। हम ऐसी संस्कृति से बिलोंग करते हैं, फिर अचानक क्या हो गया है हमें? हम बहुत उन्नति कर चुके हैं। पहले हम चूल्हे में लकड़ी से कोयले से खाना बनाकर खाया करते थे, यही देखकर हम बड़े हुए हैं। लेकिन आज हम इन्वर्टर्स के लाइट में रहते हैं, हम गैस के ओवन में खाना बनाते हैं, काफी उन्नति हुई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या हम इतने ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न हो चुके हैं कि लॉकडाउन जैसी 40 दिन तक हम घरों में बंद रहने के बाद जैसे ही थोड़ी सी हमें राहत मिली तो हम सीधे इतनी बड़ी कतार बनाकर मदिरा शराब के पीछे भागने लगे? कैसी हमारी संस्कृति है और हम क्या कर रहे हैं? मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि एक दिन के लिए पूरी दिन इंटरनेट में एक ही ट्रेंड रहा है, वो कुछ और नहीं सिर्फ और सिर्फ शराब। कौन कितना शराब पीते हैं और कौन कितनी शराब की बोतलें खरीदते हैं, इसके लिए भी कोई अवार्ड देना चाहिए क्या जो इतना कॉम्पिटिशन हो रहा है? शायद हमने हमारी संस्कृति को भुला दिया है, शायद हमने हमारे माँ बाप के, हमारे बड़े पुरखों के आदर्श पे चलना भूल गए हैं। अगर हम ये करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जेनरेशन हमें देखकर क्या सीखेगी? और हमारी कंट्रीज से बाहर जितने भी हमारे दुश्मन कंट्रीज है वो इन चीजों का फायदा नहीं लेंगे? ये हमारी कमजोरी हो गई ना। हम यूथ होकर हमारी क्या कल्पनाएं होनी चाहिए जहां हमारे देश के वीर जान देकर टेररिस्ट से हमारी जान बचा रहे हैं, वही उसी दिन हम शराब के पीछे ऐसे भाग रहे हैं? शायद हमें हमारा थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। मैं जानती हूं आज का वीडियो शायद काफी लोगों को पसंद नहीं आएगा, ना ही सही, पर हमारी संस्कृति को पसंद करने वाले जरूर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन तमाम लोगों को उनकी बचपन की वो यादें याद दिलाए, उनके माँ बाप के दिए गए उनके जो संस्कृति है उसे याद दिलाए ताकि वो वापस से ये गलती ना करे। गलतियां हर किसी से होती है मगर करेक्शन भी बहुत बड़ा स्टेप होता है। आपके साथ है आपकी आरजे अर्चना, मैं लेकर आऊंगी एक नई कहानी एक नए वीडियो में। तब तक रखिए अपना ख्याल। लव यू ऑल।